अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आईबेक्स मीडिया नेटवर्क और मैं हूँ आपका मेज़बान फरहान अहमद। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं गिलगित बल्तिस्तान की बहुत ही खूबसूरत आवाज़। यकीनन ये आवाज़ आप तमाम को बहुत पसंद आई होगी और पसंद आएगी। बहुत ही खूबसूरत आवाज़ है, यंग टैलेंट है गिलगित बल्तिस्तान का। यासिर अब्बास हमारे साथ मौजूद है, रब कायनात ने इनको बहुत ही खूबसूरत आवाज़ से नवाजा है। उम्मीद करते हैं इनकी आवाज़ आपको बहुत पसंद आएगी। और उनके साथ मौजूद है बिलाल हमीद साहब। बिलाल हमीद साहब बहुत ही अच्छे गिटारिस्ट है और जब भी ये गिटार की स्ट्रिंग्स पे अपनी उंगलियों का जादू दिखाते हैं तो बंदा कुछ वक्त के लिए किसी और वादी में कूच कर जाता है। बहुत ही खूबसूरत गिटारिस्ट है और इनका अपना एक बैंड भी है ताबीर बैंड के नाम से। तो बहुत ही अच्छा म्यूज़िक ये लोग प्ले करते हैं और बहुत ही अच्छी सिंगिंग करते हैं। आइए तो आज के मेहमानों से आप तमाम की मुलाकात कराते हैं। बिलाल साहब और यासिर साहब, थैंक यू सो मच, आप दोनों की आमद का खुशामदीद कहेंगे। तो यासिर साहब, बताइएगा कब से गुलकारी की दुनिया में हैं और कैसे इत्तेफाक़ हुआ गुलकारी की दुनिया में आप कदम रखने का? सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, मैं इनवाइट किया। जहाँ तक मेरी मौसीकी का जो इब्तदाई दौर, मैंने स्कूल टाइम से ही स्टार्ट किया था। ठीक है, बचपन में मिले नगमे इनमें पार्टिसिपेट करता था जी। और काफ़ी अच्छी पजराई मिलती थी स्कूल की तरफ से, टीचर्स की तरफ से। तो वहाँ से होते होते फिर ये एक नशा है मौसीकी रूह में घुस जाता है, फिर मुझे को आगे तक मंजिल तक ले जाता है। तो ये प्रोसेस जारी रहा हमारा स्कूल से ही, सही, जा जाके फिर यहाँ तक आज आपके सामने ही। चले, बहुत खूब, इस काविश इस मेहनत को जारी रखिएगा। तो बिलाल साहब, गिटार कब से आप प्ले कर रहे हैं और गिटार का शौक कैसे पैदा हुआ? थैंक यू सो मच। गिटार का शौक तो काफ़ी पहले से था, जब से मैं बचपन से यहाँ पे मैं स्कूल में पढ़ता था, लेकिन कोई इस तरह का था नहीं मेरे पास सीन कि मैं इसको आगे कंटिन्यू कर सकूँ। लेकिन जब मैं लाहौर गया मैट्रिक के बाद, ठीक है, तो सबसे पहला काम मैंने यही किया कि गिटार खरीदा और फिर उसके साथ अपने शौक को जारी रखा। उसके साथ साथ फिर लाहौर में मैंने कुछ टाइम, काफ़ी टाइम गुजारा म्यूजिशियंस के साथ, काफ़ी लोगों के साथ उठना बैठना हुआ। फिर वहाँ पे ज़्यादा ये शौक जो है ना, एक जुनून की हद तक चला गया, उसको फिर हम कैरी करके लेके आए और फिर अभी तक चल रहे हैं। चले, इस मेहनत इस काविश को जारी रखिएगा। बढ़ते हैं एक और सॉन्ग की जानिब। तो कौन सा सॉन्ग हमारे नाज़रीन के सामने पेश करेंगे? ये कवर सॉन्ग है, पाकिस्तानी बैंड है एक बयान के नाम से, ठीक है, आपने सुना होगा जी, वो उसको हम ज्यादा फॉलो करते हैं, तो सही है, हमने सोचा आज प्ले करें कुछ। ठीक है, ठीक है, करते हैं जी, वही आपको जी प्लीज। उतार है
खूब, बहुत आला, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ आपकी है। अक्सर लोग अपने गले का, अपनी आवाज़ का ख्याल रखने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के टोटके इस्तेमाल कर रहे होते हैं, आप भी कुछ ऐसा ही करते हैं कि नहीं गले का ख्याल रखने के लिए? नहीं, जाहिर सी बात है, अल्लाह ताला ने इतनी गिफ्ट जी गॉड गिफ्ट, तो कुछ चीज़ें केयर भी करना पड़ता है। मैं मोस्टली अक्सर करता हूँ, बहुत ख्याल रखता हूँ। अच्छा, बड़े एहतराम के साथ अपने गले की रखवाली करता हूँ। सही है, ज़्यादातर ठंडी चीज़ों से मैं ज़्यादा, अच्छा, कोशिश करते हैं अवॉइड करें, मिर्ची बस ये ज़्यादा नहीं खाता। चले, अच्छी बात है, बिल्कुल ख्याल रखना भी चाहिए। अब मुझे ये बताइएगा कि अब तक कितने सॉन्ग्स आपके रिलीज़ हो चुके हैं और किस किस लैंग्वेज में? और मेरे ख्याल से आप फारसी सॉन्ग्स भी गाते हैं, उर्दू भी गाते हैं, शना भी गाते हैं। अब तक हमने कोई किए हैं वही 15 से 18 सॉन्ग्स आपके रिलीज की भी हैं जी। अच्छा, ब्रशेस की भी गाते हैं, भी हैं उर्दू भी हैं, फारसी में भी एक है, ठीक है, और साथ फिर शना में भी मिक्स है, ठीक है। तो बिलाल साहब का भी शौक है सिंगिंग की तरफ कि नहीं, म्यूजिक के अलावा? है, शौक तो है, नो डाउट है, लेकिन ये है कि हम लोगों का ग्रुप है, ठीक है, पूरा एक हमारा सर्कल है जिसमें हर तरह के म्यूजिशियंस हैं हमारे साथ, तो यासिर के होते हुए हमें किसी को गाने की जरूरत नहीं होती, बाहर ये पूरी कर देते हैं। लेकिन ये है कि फिर जो जब हमारा सारा बैंड इकट्ठा होता है, ठीक है, बड़ा एक अच्छा हम कोशिश करते हैं कि कुछ क्रिएट करें। चले, जबरदस्त, चले, अच्छी बात है। जी, हमारे जो टीम मेंबर्स हैं जिसमें बिलाल भाई हैं, अंसारी भाई हैं, गिरी भाई हैं, सुहेल भाई हैं और सरताज भाई, इससे हमारा पूरा ग्रुप है, ठीक है। मैं बेसिकली सारा क्रेडिट मेरी टीम को जाता है, इनसे ही मैं ज़्यादा सीखता हूँ, कोशिश करता हूँ कि मैं इनसे कुछ सीखूँ। तो मैं अक्सर यही कोशिश करता हूँ कि टीम से सीखूँ, सारा उनका होता है, ठीक है, अच्छी बात है, टीम वर्क से ही चलता है। तो एक और सॉन्ग हम आपसे सुनेंगे, कोई शना सॉन्ग अगर आप सुनाया तो, कौन सा सॉन्ग सुनाएंगे? हम तो पागल सुनाएंगे, ठीक है, उस्ताद का एक सॉन्ग कलाम है, बिल्कुल है, ठीक है, जी 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 जी, ठीक है, ठीक है। पागल में ही ओ थे दुनिया ओ ददु सागर श्रीहा, मैं ही उस रान की थी ख्याल पागल शिरिहा। क्या बात है, बहुत खूब। कहने, बहुत आला, बहुत खूब, दिल चाह रहा है कि आपसे सॉन्ग सुनते जाए सुनते जाए। अजब सा दर्द है और बहुत मिठास है आपकी आवाज़ में।
तो बहुत आला, बहुत खूब। एक और सॉन्ग मैं सुनना चाह रहा हूँ आपसे, उर्दू सुनाना चाह रहे, शिनाफी की मर्जी, इसी के साथ साथ जी बहुत दिल कर रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है आपकी आवाज़ सुनकर। आसमानी तारे हम गाएंगे जो हमारी अपनी शिनाफी, ठीक है ठीक है। ये सलाहुद्दीन हसरत का कलाम है, ठीक है। बहुत आला, बहुत खूब। माशाल्लाह से जितनी प्यारी आपकी आवाज़ है उतना प्यार आप गिटार भी प्ले कर रहे हैं। तो बिलाल साहब ये बताइएगा कि गिटार सीखने में कितना अर्सा लगा आपको? तकरीबन मुझे प्ले करते हुए तो वैसे कोई 10-11 साल हो गए। 11 साल हो गए, लेकिन अभी भी लगता है कि बहुत कुछ सीखना बाकी, सीखना बाकी है। एक समंदर है ये जिसमें आप मतलब सीखते जाते हो वक्त के साथ साथ। सही, बहुत ज़बरदस्त। मतलब आप किसी सॉन्ग के साथ प्ले करने के लिए, लाइक कोई फर्स्ट टाइम कोई गिटार सीखना चाह रहा है तो उनको आप क्या पैगाम देंगे कि कितना अर्सा लगता है, मतलब उनको इस लेवल तक आने में कि कोई सॉन्ग के साथ वो भी आप वो मैच कर सके, उगा सके? शौक की बात होती है, आप में कितना शौक है। अगर किसी बंदे में शौक हो, अगर इसको कंटिन्यू रखे, मतलब बहुत सारे लोग होते हैं वो इसको देख के इनको अच्छा लगता है कि गिटार प्ले करना, वो जब शुरू करते हैं जब उनको पता चलता है कि यार इतना आसान नहीं है तो वो छोड़ देते हैं। लेकिन जो लोग इस चीज को फिर कैरी करते हैं, आगे चलते हैं, तो फिर वो डिपेंड करता है उनके शौक पे। जी बिल्कुल, जितना उनका शौक होगा वो उतनी जल्दी सीख पाएंगे। चले बहुत खूब। तो यासिर साहब ये बताइएगा कि नेक्स्ट आपका कोई इरादा है कोई सॉन्ग रिलीज करने का? इंशाल्लाह है, शनाम में कुछ चीज़ें तैयार हैं, बस अच्छा काम बाकी, काम हमारा ठीक है, कंटिन्यू है, ठीक है। इंशाल्लाह एक 15-20 दिनों के अंदर अंदर कुछ ना कुछ अपने नाज़रीन को, सुनने वालों को ज़रूर। चले हमें भी इंतज़ार रहेगा। तो फिर गेम का हमारा वक्त कम है, तो जाते जाते एक और सॉन्ग आपसे सुनेंगे। तो कौन सा सॉन्ग हमारे नाज़रीन के सामने आप पेश करेंगे? गज़ल है मैडम नूरजान को, उसने हमने कॉस्टिक, ठीक है ठीक है। जी जी प्लीज़ थैंक पहली है तेरे
क्या बात है, क्या बात है, बहुत आला। यकीन जानिए बहुत मज़ा आ रहा है, दिल तो चाह रहा है कि आप तमाम आपसे सॉन्ग मज़ीद सुनते जाए, लेकिन वक्त हमें इजाज़त नहीं दे रहा। तो थैंक यू सो मच आप दोनों की आमद का, थैंक यू सो मच, अपनी मसरूफियात से आप लोगों ने वक्त निकाला, तशरीफ़ लाए। जाते जाते क्या पैगाम होगा उन तमाम दोस्तों के लिए जो म्यूज़िक की दुनिया में, सिंगिंग की दुनिया में अभी अभी कदम रखना चाह रहे हैं या रख चुके हैं, उनके लिए क्या पैगाम होगा आप लोगों का? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो लोग इस शौक़ रखते हैं जारी रखें, और बहुत एक मज़ेदार चीज़ है इसको अगर आप कैरी करते हैं तो। मुझे पर्सनली, मैं जब नए बच्चों को देखता हूँ, लोगों को देखता हूँ कि कोई गिटार लेके आ रहा है, कोई गा रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है। सो बहुत बड़ी चीज़ है आर्ट, तो मेरी तरफ से स्पेशली अपने गिलगित के लोगों के लिए मैं यही कहूँगा कि इसको इज़्ज़त दें और प्यार करें इससे, और ये क्योंकि एक बहुत खूबसूरत चीज़ है। चलिए, बहुत खूबसूरत पैगाम। यासिर साहब भी कुछ कहेंगे? उसमें भी यही कहूँगा कि यार, जिस फील्ड में भी जो भी यंगस्टर आ रहे हैं, जिस फील्ड में भी जहाँ भी गिटार म्यूजिक में कोई रुबाब प्ले करता है, फ्लूट, बिल्कुल, तो दिल लगा के काम करें, सीखें, कोशिश यही करें कि अच्छा चीज़ बजाएं, अच्छी चीज़ सीखें। सबसे पहले उनको सीखना चाहिए कि बेसिकली है क्या, जो मौसीकी की जो मंजिल है वो ख़त्म नहीं है। आप जितना लर्न करेंगे उतना आप ज़्यादा आपके अंदर कैपेसिटी बढ़ जाएगी, इंटरेस्ट क्रिएट होगा। तो आप यही रिक्वेस्ट है और यही मैसेज भी है कि ठीक है, थैंक यू, बहुत ही खूबसूरत पैगाम। एक बार फिर से आप दोनों की आमद का बेहद शुक्रिया। जितना नाज़रीन, हमारे साथ गिलगित बल्तिस्तान के दो चमकते सितारे मौजूद थे, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ के मालिक, बहुत ही अच्छे गिटारिस्ट। तो उम्मीद करते हैं आज का प्रोग्राम आप तमाम को पसंद आया होगा। जहां रहे खुश रहें, अपने प्यारों के साथ मिलकर, अपने दोस्तों के साथ, अपने इलाके के लोगों के साथ मिलकर खुशियाँ बांटें, खुशियाँ समेटें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नेक्स्ट किसी प्रोग्राम में कुछ और फ़नकारों के साथ आप तमाम से दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।